यहाँ पे। आपको पता है माशी, मेरी शादी कुंद्रा खानदान में हुई है। अब वो ठहरे खानदानी अमीर। पता है आपको, मेरा पति राजवीर कुंद्रा सुपरस्टार विन कुंद्रा का छोटा भाई है। इसलिए ना मुझे इस चौल में बिल्कुल आने का मन नहीं करता। प्राची, अगर तू भूल गई तो तुझे याद दिला दूं। आज से 2 साल पहले तो इसी चौल में रहा करती थी और 5-5 रुपए के लिए तुझे मेरे पास आने की जरूरत पड़ती थी। जी, थैंक यू सो मच। तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। हम चौल में रहते हैं, लेकिन जैसे थे वैसे ही हैं। तू तो इतनी अमीर घर के बहू बन गई, लेकिन तेरी सोच है बहुत छोटी। कुछ सीख रिद्धि से, कितनी प्यारी बच्ची है। अरे बाबा, मैं ये थे। अगर ताई यहाँ नहीं होती ना, तो मैं बुढ़िया को अपनी औकात दिखा देती। ताई, मैं ना आज घर की सफाई कर देती हूँ और घर के सारे लाइट्स भी ऑन कर देती हूँ। और हाँ, आई बाबा के लिए वरण भात और सोल कढ़ी भी बना देती हूँ। वो जब आएंगे तो ये देख के बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है ताई? प्राचीन। हाँ ताई। बंद कर ये नाटक। तेरे और मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं है जो तेरे इस ढोंग को सच समझ ले। ताई, ये क्या बोले जा रही हो? हम दोनों कितने सालों बाद यहाँ आए हैं, वो भी एक साथ, और आप ऐसी बातें कर रही हो? ताई, मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन ताई मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मैं आई बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। लेकिन ताई, इसके लिए आपको मुझे एक मौका तो देना होगा ना। बस प्राची, बस। कि तेरा नाटक और ढोंग ना तो दुनिया को दिखा और दुनिया को बेवकूफ बना, अपनी ताई को नहीं। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं, और जो तूने किया है ना उसे कभी भुला नहीं सकती हूँ मैं। क्या कह क्या रही है तू? अपना घर, आई बाबा के लिए खाना, और तेरा ये घर अपना कब से हो गया? और आई बाबा, उन्हें तो तू कब का भुला चुकी है। अरे तुझे तो इस घर में कभी आना ही नहीं था और ना ही हमारी जिंदगियों में। तुझे याद है ना वो दिन जब हम सबको ठोकर मार के तू चली गई थी? देख लेना, एक दिन मैं इतनी बड़ी बन जाऊंगी कि आप सब लोग मेरे आगे पीछे घूमोगे। अरे तुझे तो हमें अपना कहने से भी शर्म आती थी। तुझे याद है प्राची, इसी चौकट पर खड़े रहकर तूने कहा था कि दोबारा इस घर को पलट कर नहीं देखेगी। अरे तेरे लिए तो आई बाबा उसी दिन मर गए थे। और तो और प्राची, जब तुझे मेरी मौत की खबर पता चली तब भी तूने जरूरी नहीं समझा कि तुझे उस वक्त आई बाबा के साथ रहना चाहिए। लेकिन नहीं, अरे ऐसे वक्त पर ना लोग गैरों की तक मदद कर देते प्राची, लेकिन तूने अपनों को तक ठुकरा दिया। ऐसी बेटी है तू, और आज तू ये कहती है कि तुझे इस घर की याद आ गई, इस परिवार की याद आ गई। जवाब दे प्राची, तुझे कभी भी हमने आगे बढ़ने से रोका? रोका, लेकिन तूने आगे बढ़ने के लिए अपनों को ठुकराया। जानती है क्यों? अरे तू अपनी झूठी और बनावटी दुनिया में तो इतनी मदहोश हो गई कि तू खुद के आई बाबा को तक भूल गई। क्यों किया प्राची ऐसा? क्यों किया? तेरे लिए तो कभी भी हमारा प्यार और परिवार मायने नहीं रखता था। तूने तो कुंद्रा मैंशन के चकाचौंध और ऐशो आराम की जिंदगी में हमारे प्यार और परिवार को ठुकरा दिया, और आज तो यहाँ पर आ रही है और ये बोल रही है कि तुझे हमारी चिंता है, हमसे प्यार है। हाँ, क्यों क्यों इतना नाटक कर रही है? बोल, जवाब दे। ताई, नहीं है ना तेरे पास जवाब? मेरे पास है इसका जवाब, और इसका जवाब है कि तुझे ऐसा लगता है कि कुंद्रा मेंशन की सारी जायदाद वीनू और मेरे नाम पर है, इसलिए तू मेरे करीब आ रही है क्योंकि तुझे पैसे मिलते रहे, इसलिए तू ये बहन बहन का नाटक कर रही है। ताए, बस, ये चुप हो जाओ। ये अब क्या बोले जा? जो भी बोल रही हूँ ना, सच बोल रही हूँ, और सच सुनने की हिम्मत रख, और अब अपना ये सारा नाटक बंद कर दे। और वैसे भी ना, आई बाबा को तुझसे कोई उम्मीद नहीं है प्राची, उन्होंने तुझसे उम्मीद करना ना बहुत पहले छोड़ दिया है, तुझे कब का भुला चुके हैं वो।
तू जाए यहां से, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। मेरे लिए यहां पर बहुत कुछ है, मेरा बचपन, मेरी आई बाबा की यादें, और इन सभी यादों को संजोना चाहती हूं मैं। एक बार फिर से पुरानी सिद्धि बनकर जीना चाहती हूं मैं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब से मैं तुम्हें सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना। तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बचपन वापस आ गया, और पता है मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे हम कभी जुदा हुए ही नहीं थे। वो भी क्या दिन थे ना वीनू, बेबाक बेधड़क मस्ती से भरे। काश वो वक्त वापस आ जाए, काश हम फिर से एक साथ खुश रहें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। काश ऐसा हो जाए सिद्धि। प्राची जी, मम्मी जी, क्या हुआ? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? और तेरी ताई कहाँ है? तुम दोनों गई थी ना वहां पर अंधेरी चाड़ आई बाबा से मिलने, मग तो एकटी परत को शला ली। ताई पुरंदरी चौल में ही है मम्मी जी। अच्छा, वो पुरंदरी चाड़ में ही रुक गई? मुझे नहीं पता, शायद उन्हें रुकने का मन होगा इसलिए रुक गई होंगी। ना उन्होंने मुझे बताया ना मैंने पूछना जरूरी समझा। मैं आती हूँ मम्मी जी। वहां कुछ तो हुआ है, ऐसा क्या हुआ है जो इन दोनों बहनों में फिर से एक बार दुश्मनी हो गई? कुछ तो चल रहा है, लगता है वहां सिद्धि के साथ विनायक भी है पुरंदरी चाल में। अब तेरी प्लानिंग मेरी समझ में आई सिद्धि। उसने विनायक को पुरंदरी चाल में ही छिपा के रखा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि विनायक पुरंदरी चाल में हो सकता है। जितनी खुशियां मनानी है ना सिद्धि, मना ले, क्योंकि मैं आ रही हूं तेरी खुशियों पे पानी फेरने के लिए। मैं आ रही हूं पुरंदरी चाल, तुम दोनों को एक साथ पकड़ने के लिए। अब वहीं आकर तेरा खेल खत्म करूंगी। बचा ले अपने विनायक को अगर बचा सकती है।
आज तुमने बहुत काम किया है, इसके लिए तुम्हें बख्शीश तो मिलनी चाहिए। बोलो क्या चाहिए तुमको? हाँ, मैंने बहुत किया, तो मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है। आलू पराठा खिला दीजिए। आलू पराठा बस? अभी के लिए इतना ही। ठीक है, जो हुकुम मेरे आका। किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदा मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी सर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। मेरा पेट बहुत भर गया है। इतनी जल्दी? वो क्या है ना मैडम, मेरा पेट और मेरा दिल तुम्हारे प्यार से पहले से ही बहुत भरा हुआ है। मुझे कुछ और चीजों की जरूरत नहीं है। पीनू, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? दिखाऊं? एक मिनट। से मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं खुशियां सहलूं साथियां। ऐसे क्या देख रहे हो? मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू।
झांक ले मैं हूं क्या, कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। इस वक्त कौन आ गया? पीनू तुम जाओ, जल्दी से अंदर जाओ, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। जल्दी अंदर आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। दादी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे तूने कुंद्रा मेंशन से निकलते जैसे मुझे कॉल किया, मैं तुरंत घर से निकल गई। सिद्धि तुमने प्रतिमा जी को यहाँ क्यों बुलाया? अगर पुलिस ने इन्हें हमारे साथ देख लिया तो ये बहुत मुसीबत में पड़ सकती है। हाँ दादी, विनू सही कह रहा है, मुझे आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, अगर किसी ने देख लिया तो। सिद्धि बस अब चुप हो जा, और वैसे भी तूने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल सही किया। कुंद्रा मेंशन से इतने लोगों के नजरों के सामने से विनायक को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। क्यों विनायक, सही कह रही हूँ ना मैं? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ सिद्धि, बच्चे ये ले, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कपड़े हैं और जरूरत का सामान है, तुम दोनों के काम आ जाएगा। और हाँ सिद्धि, तुम मेरी बात सुनो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब आराम करो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, समझ गई? फिनू तुम ना ज्यादा खुशफहमी में मत रहो कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। बुद्धू ये जो कुछ भी मैंने किया है ना वो अपने लिए किया है, क्योंकि अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे कहाँ चैन मिलने वाला है। सिद्धि मेरी प्यारी शेरनी, अरे तू पाताल में ही क्यों ना छिपी बैठी हो, मैं तुझे वहां से भी ढूंढ निकालूंगी। विनायक को छिपाने की तेरी सारी कोशिशें मैं ना कामयाब कर दूंगी। मेरा नालायक विनायक, आ रही हूं मैं पुरंदरी चाल तुझे घसीट के जेल भेजने के लिए। अरे हाँ एक मिनट, ये देख लो। सूत्रों की माने तो सुपरस्टार विन कुंद्रा के साथ लॉकअप में बंद नोटोरियस गैंगस्टर छोटा राजू अभी भी जिंदा और फरार है। तो क्या विन कुंद्रा ने छोटा राजू जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ ये सारे शूटआउट प्लान किए थे? क्या विन कुंद्रा के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कनेक्शन है? सवाल कई सारे हैं, और हमें अगर इन सवालों का कोई जवाब दे सकता है तो वो है विन कुंद्रा, जो कि अभी लॉकअप से फरार है। ये मीडिया वाले बिना कुछ भी छापते हैं, ना तो ये सच जानने की कोशिश करते हैं और ना ये सच छापते हैं, इनको बस मसाला चाहिए और कुछ भी नहीं। बंद करो ये बकवासी न्यूज़। इस बकवासी न्यूज़ में गुड न्यूज़ भी तो है, देखी तुमने? क्या? छोटा राजू, वो जिंदा है। तो? विनू छोटा राजू ही है जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता है, वही पुलिस को बता सकता है कि पुलिस स्टेशन में जो शूट आउट हुआ था उसके पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था। हाँ, और मुझे तो छोटा राजू के अड्डे के बारे में भी मालूम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? उस प्रॉब्लम का नाम है दीपा, छोटा राजू की वाइफ है, उसी का अड्डा वही संभालती है, लेकिन मैंने सुना है किसी की मदद वदद नहीं करती है, बहुत ही सख्त जान है, कोलन बाई है दीपा। विनु चाहे कुछ भी हो जाए हमें छोटा राजू से मिलना ही होगा। सिद्धि ये सोचो कि तुम दोनों यहाँ से निकलोगे कैसे? सिद्धि पुलिस बाहर हर जगह विनायक को ढूंढ रही है। दादी चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीनू को यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी।